सो गुड मॉर्निंग गाइस, फादर्स डे का मॉर्निंग है ये, जब बहुत प्यारी सी बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पे और अच्छा लग रहा है कि मौसम ठंडा हो गया आज के दिन, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है, मतलब आजकल कभी बादल कभी धूप कभी बादल, किसी दिन हल्की सी बारिश, लेकिन ये पहली बारिश पड़ी है अभी। इससे पहले जो बारिश थी वो ऐसे हल्की फुल्की बारिश थी, आज प्रॉपर बारिश हुई है। बाहर हो रहा है बारिश का माहौल और अभी दोपहर के बज रहे हैं एक, और थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं क्योंकि आज ना सब लोग लेट उठे, सब संडे रहा तो सब लेट उठे। कल वैसे भी फादर्स डे रात सेलिब्रेशन करके सोए थे ना, तो मैं मटर पुलाव बना रही हूँ क्योंकि सबने जो है दबा के आज वो खाया है, इदरा, मतलब वो क्या ढोकला बोलते हैं ना, इडली के बैटर का बनाते हैं, इडली के बैटर का लाइट होता है वो। चीज बोलूंगी कि सब नहीं जल्द उठी थे, मैं 7 बजे उठी, मैं भी उठी थी, नहीं 6:30, मैं 7 बजे ट्यूशन, मैं भी तो उठी थी, फिर दोबारा सो गई, फिर वापस से उठी मम्मी, फिर वापस से सो गई। आजकल मैं अपने आराम पे बहुत ध्यान देती हूँ, तो अब है ना चूंकि सुबह में सबने हैवी नाश्ता किया हुआ है, इडला खाया है यानी कि वो जो इडली के बैटर का बनता है, खमन खाया हुआ है, वो सब लाइट ही होता है वैसे, लेकिन लेट खाया हमने, 12 बजे खाया है, तो फिर अभी भूख किसी को ज़्यादा नहीं है। तो प्रिशा शाम को कुछ स्पेशल बनाने वाली है, उसकी तैयारी की है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने बासमती चावल भिगोए हैं और मज़ा आ रहा है बाहर बारिश के माहौल में मटर पुलाव चटनी खाने का, मज़ा आ जाएगा। ये मटर छील के गई है भाभी, ये कट करके गई है, आज वो लोग खाना खाए बिना गए हैं क्योंकि मैं बहुत बिजी थी मेरी एडिटिंग में। और ये है चटनी की तैयारी, तो मैं बना रही हूँ ग्रीन चटनी मटर पुलाव, बस यही है आज का हमारा लंच। शाम को प्रिशा क्या बनाने वाली है आपको दिखाती हूँ मैं, उसने क्या तैयारी की है। तो ये कुछ प्रिशा ने तैयारी की है, ये लहसुन प्रिशा ने भाभी से कटवाई है, कुछ चीज़ें प्रिशा ने काटी हैं, कुछ भाभी ने काटी हैं, और ये देखिए शाम की तैयारी। और मैं बहुत मना कर रही हूँ कि बेटा तेरी पढ़ाई है तो ये सब मत कर, बट मान के दे तो बात है, मैं ये सब लेके आई है मार्केट से, सब कलरफुल, और सब इसने जो है कटवाया है, येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, कैरेट्स एंड लहसुन, इसका प्लान है। अब बोल रही है अपने पापा के लिए मैं बहुत स्पेशल मम्मी कुछ बनाने वाली हूँ आज के दिन, तो या तो पास्ताज बनाएगी ये, और वीट पास्ताज हैं, हेल्दी पास्ताज हैं, अदरवाइज़ हम लोग नहीं खाते, बीमारी के बाद से हम नहीं खाते हैं कुछ भी ऐसा। एंड साथ में बोल रही है पनीर टिक्का बनाऊंगी, मैं मना कर रही हूँ, मान नहीं रही है, और एक कुछ डेजर्ट भी बनाने वाली है। सो रात का डिनर पूरा स्पॉन्सर्ड होने वाला है प्रिशा की तरफ से, तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ ये सारी चीज़ें, शाम को उसको काम लगने वाली है। फिलहाल मैं लंच बना लेती हूँ और आपको पे वॉच की जा रही है मूवी थ्री इडियट्स, एंड सभी का जो है आज दोपहर तक नहाना बाकी है, सभी का, सब आज इन्जॉय के मूड में है। ये जो है भूल गई है कपड़े सुखाना, तो फिर मैं सुखाती हूँ इन कपड़ों को और यहाँ सुखाऊंगी क्योंकि बाहर तो बारिश है। कल ये चादर धोई थी ना, मैंने बोला था ना ऊपर वाली चादर निकाल के धो दी है, तो ये सूख जाएगी, फिर से मैं बेड पे डालने वाली हूँ, मुझे ये चादर बहुत पसंद है। सो चलो कपड़े सुखा दिए जाए और लंच बना लिया जाए। बाहर इतना प्यारा हो रहा है ना कि मटर पुलाव खाने में मज़ा ही आ जाएगा। खूब बारिश पड़ी है अभी, लेकिन धूप भी बार बार निकल आती है, ऐसा नहीं है कि बारिश एक साथ सलंग बारिश हो रही है, नहीं, बहुत ही लेट है इस बार मानसून ऐसा लग रहा है, बट आज थोड़ा सा ठंडक हो गया हुआ है फादर्स डे के दिन। तो चलो किचन में दिखाती हूँ, सब कुछ हो चुका है, एवरीथिंग इज़ डन, मैंने चटनी बना ली है, और जब ऐसा बारिश का सा मौसम हो पकौड़ियाँ या चटनी या मटर पुलाव चटनी ऐसा सब खाना बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी नाश्ता हैवी था तो हमारे लिए इनफ हो जाएगा। यूज़ किए मैंने बासमती वाले चावल दावत के, जो मैं ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ और वैसे लोकल मार्केट में भी मिलते हैं, और ये काफ़ी पसंद है मुझे। तो आजकल कई बार हम लोग किचन में ही बैठ के खाना खा लेते हैं, तो बस यहीं हम लोग कर लेंगे हमारा लंच, लास्ट में खाएंगे मैंगोज और फिर मिलती हूँ। गुड इवनिंग गाइज, हैप्पी फादर्स डे, आज फादर्स डे है, और ये रहे बच्चों के पिताजी। मेरी बच्चे ने मुझे इतना अच्छा, मेरे बच्चे ने, हमारी बच्ची ने इतना अच्छा हैप्पी फादर्स डे का कार्ड बनाया है। वो तो दिखा दिया ना, वो ब्लॉग गया, लेकिन बहुत बढ़िया वो ब्लॉग तो कल चला गया ना बेबी। आज मेरी बच्ची मेरे लिए पास्ता बना रही, पास्ता, और बीवी ने आज बनाया था इनके लिए मटर पुलाव चटनी, और फिर पूरा दिन हम लोग बस यहाँ ही पड़े थे, इधर ही पड़े थे। ये हमारा कपड़े का स्टैंड आज हमने यहाँ रख दिया है क्योंकि बारिश, रिम झिम
बारिश गिर रही है, आज तो बड़े जोर में है आज, क्योंकि मेरे बच्ची मेरे पास्ता में आज तो बहुत पैम्पर्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि फादर जो है तो बच्चों ने पैम्पर करके रखा हुआ है इन्हें। और प्रिशा काफी लंबा चौड़ा कुजीन बनाने वाली, ऐसे कह रही है कि मम्मी मैं पनीर टिक्का भी बनाऊंगी। हमने मना किया है भाई, खाली पास्ता बना ले बस, पास्ता बना बहुत है मेरी बच्ची। और शायद वो बना रही है, वो क्या कोई केक, कौन सा केक रखा है? मेरी बच्ची बहुत सारा स्टाइल की केक बनाती है। और आज हमारा जो बाहर जाने का प्लान था वो फिलहाल कैंसिल है, क्योंकि बाहर का वेदर आपको देखो बारिश, सुबह से बारिश, फादर्स डे आया और बारिश भी आ गई। भगवान भी खुश हो रहे हैं फादर्स डे पे। आप जितने भी फादर्स हमें वॉच कर रहे हैं, सभी को हमारी तरफ से हैप्पी फादर्स डे, क्योंकि बाप के बिना बच्चों का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। बाप जैसा भी क्यों ना हो, जैसा भी, लेकिन बाप बाप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाप होना। आप कुछ बात नहीं करोगे इनको? नहीं, अभी तक ब्लॉगिंग करनी नहीं आती, ब्लॉगिंग करनी नहीं आती, ये गलत बात है। मैं फोटोग्राफी अच्छी कर लेता हूँ लेकिन ब्लॉगिंग नहीं आती है। हाँ। क्योंकि मेरी वाइफ की तरह मुझे ब्लॉगिंग करनी नहीं आती। और आज इन्होंने जो है वो शेव कर लिया है, क्योंकि कल ये बिल्कुल देवदास बने हुए थे। देखिए कोई आया हमारे घर पे। सो हम लोग बैठे थे फ्रेंड्स के साथ, कुछ फ्रेंड्स आए थे और हमें पता ही नहीं था कि किचन में क्या चल रहा है। जब उन लोगों के जाने के बाद में मैं किचन में आई, तब मैंने देखा कि इसने तैयारी शुरू कर दी थी। एक्चुअली ये किचन में आ गई थी, कुछ पास्ता वगैरह की तैयारी कर रही थी, यहाँ पे पास्ता उबाल रही है। और बिल्कुल भी आइडिया भी नहीं था कि किचन में वो और क्या कर रही है। साथ में वो अलग से केक फिर से बना रही थी। हर साल हम लोग बाहर से ऑर्डर देते थे, इस बार मैं भूल गई, पता नहीं कैसे दिमाग से उतर गया। तो किचन का सारा काम इसने संभाला है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी, कि मतलब बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि जब बेटियां बड़ी हो जाती है ना, यही बस सुख बहुत होता है माँ को, कि मतलब एक तो ये लोग समझती बहुत है पेरेंट्स को। ऐसा नहीं है कि बेटे प्यारे नहीं होते, बेटे भी बहुत प्यारे होते हैं, बट ये लोग कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंड करती हैं चीज़ों को। कल के व्लॉग पे सबके बहुत प्यारे कमेंट्स आए, कल का व्लॉग सबको बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों ने ऐसे भी लिखा है कि मतलब हमारी भी आँख में आंसू आ गए बच्चों का प्यार देख के। थैंक यू सो मच आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और बहुत शुक्रिया। वाह प्रिशा क्या बना रही है बेटा किचन में आज, तो ये सच्ची कुछ बहुत बढ़िया कर रही है। टमाटो तूने खुद काटे हैं कि भाभी से? टमाटो नहीं, बेल पेपर से। सॉरी ऑल कैप्सिकम ना। हाँ वो मुझे तो पता ही नहीं था गाइस कि ये दोबारा से केक बना रही है, बट इसने देखो अंदर दोबारा केक रखा है। ये यहाँ पे शूट कर रही है और ये बना रही है अपने पापा के लिए स्पेशल डिनर में पास्ता, जिसमें इसने बहुत सारे कलरफुल कैप्सिकम्स डाले हैं। बट मैं इसको अभी आके बोली, कुछ गेस्ट आए थे वो लोग अभी उठ के गए, और मैंने इसे बोला आके कि बेटा तुमने आज हम इस बार केक कैसे भूल गए पापा के लिए, तो मुझे उंगली दिखाई इसने इधर, मम्मी ये देखो। तो दोनों केक भी देख के इसी ने बनाए, रात वाला भी और अभी वाला भी। सो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल फादर्स डे कि भाई बच्ची ने दूसरा केक भी बनाया। एंड विवेक इज सो लकी कि उनको जो है प्रिशा के हाथ का पूरा खाना खाने मिलने वाला है। और क्या बना रही हो तुम? अभी तो यही सोचा है, सोच रही हूँ थोड़ा। नहीं बस इतना ही इनफ है, नहीं इतना ही इनफ है, केक और ये इनफ है, दैट्स इट। प्रिशा जैसी लड़कियां सबके घर में होनी चाहिए। कितने प्यार से अपने पापा के लिए फिर से केक बना रही है और पूरा डिनर वो खुद प्रिपेयर कर रही है, और मुझे बोल रही है मम्मी आज आप कुछ मत करो, आज पूरा डिनर मैं प्रिपेयर करूंगी। मौसम इतना ठंडा वाला हो रहा है, क्योंकि अभी भी बाहर बारिश हो रही है और मज़ा आ रहा है इस मौसम में। आज कपड़े पूरे यहाँ डल रहे देखो, क्योंकि हमारे यहाँ ना गेस्ट आए थे विवेक का एक बहुत अच्छा दोस्त है। मैं ना उन लोगों से मिलवाना चाहती हूँ, अब नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो मैं मिलवाऊंगी। मुझे पता नहीं वो लोग कैमरा शाय है कि नहीं, एक बार उनसे पूछ लूंगी, मिलवाऊंगी। विवेक का बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत पुराना, अपनी वाइफ के साथ आया था। जब आपसे बात कर रहे थे ना हम लोग, बस तुरंत ही टिंग टोंग हुआ और उसके बाद वो आ गए थे, फिर वो अभी तक बैठे हुए थे। अभी टाइम हो रहा है 8:30 का, तो तब से अब तक उनके साथ टाइम स्पेंड किया, साथ में बैठे। वैसे भी संडे था तो वो टाइम लेके आए थे, और चाय वाय पी, साथ में कॉफ़ी पी और इन्जॉय किया, बातें की पुराने फ्रेंड्स के साथ बैठ के। ज़रा दिमाग भी फ्रेश होता है, अच्छा लगता है। हो गया केक, हो गया टिंग टोंग हुआ है। तो कल से बोल रही थी कि पापा के लिए आज का स्पेशल डिनर मैं ही बनाऊंगी, तो पनीर टिक्का की भी जिद कर रही थी। तो जैसे तैसे समझा भैया तू कितना काम करेगी, तो अब इसने पास्ता बनाए हैं वीट वाले।
चिल्ला रही है, केक हो गया, दिखाती हूँ आपको, केक हो गया बेटा। चलो लेट्स सी इसने केक कैसा बनाया है। और ऑलमोस्ट लग रहा है हो गया, इनको याद ही नहीं रहता, मस्ती से गाने सुन रहे, कई बार मैं भी भूल जाती हूँ और कॉपीराइट क्लेम आता है तब पता चलता है यार ये क्या हो गया। ये बैठे हैं यहाँ पे, इनको तो पता भी नहीं किचन में इनके लिए क्या क्या बन रहा है, इनको अभी नहीं बताएंगे, हम एक साथ दिखाएंगे कल के सरप्राइज के बाद। ये काफी खुश है, बहुत अच्छा लगा प्रिशा का सरप्राइज कि प्रिशा ने ऐसे अचानक से फादर्स डे मनाया रात के 12 बजे। और आज फादर डे है, कल ये व्लॉग जाएगा, यानी बिल्कुल रीसेंट व्लॉग्स चल रहे हैं। सो आई होप आपका फादर्स डे भी अच्छा गया हो। विश यू अ वेरी हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स ऑफ द वर्ल्ड। मैं एक बात बता दूं कि हर एक बच्चों के लिए अपने बाबा बेस्ट होते हैं, मिले मेरे वाले रोल मॉडल होते हैं और आइडल होते हैं और क्या बोलते हैं वो, कहते हैं ना वन स्टेप सॉल्यूशन, तो वो फादर्स होते हैं अपने बच्चों के लिए वन स्टेप सॉल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए बच्चे बस आके बता दें पापा ये प्रॉब्लम है, फिर पापा का काम है उसको सॉल्व करना, कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो पापाओं का हेडेक होता है। एंड हर एक फादर अपनी यथाशक्ति प्रयास करता है कि बच्चों की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए और हर तरह से बच्चों को खुश रखें। और हाँ आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने इसको दोनों को कल गिफ्ट किया, अभी तुम्हारा भी ला के दिखाओ, तुम्हारा भी ला के दिखाओ, लेकिन मैंने इन लोगों को ये गिफ्ट किया है। पांडा स्कूल की वजह से, मतलब स्कूल ओपन हो रहे हैं तो बच्चों को मैंने ये गिफ्ट कर दिया है, मतलब प्रिशा को ये, दोनों को पांडा चाहिए था तो दो मैंने चार मंगाए टोटल, इनके जो क्या बोलते हैं पेंसिल बॉक्स कहते हैं ना, पेंसिल बॉक्स मैंने टोटल चार मंगाए और दो इन्हें पांडा दिए और दो दो सिंपल से इनके लिए मंगाए हैं। इनको पांडा वाला बहुत दोनों को पसंद है, अभी का ये वाला है पाउच, यहाँ से चेन ओपन होती है और ये ओपन होता है, और प्रिशा का ये है, और प्रिशा ने इसमें किचन भी पांडा का ही डाला है, देखो किचन भी पांडा का है, तो बहुत खुश हो गए। मैंने अमेजन पे एक दिन में ऐसे ही देख रही थी तो मैंने दोनों को ऐसे ही दिखा दिए, दोनों इतने खुश हो गए, मम्मी चाहिए 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 चाहिए, तो फिर मैंने ऑर्डर करके मंगा लिया। बच्चों को खुशियाँ देके अच्छा लगता है। तो फादर्स डे तो वैसे विवेक का है लेकिन गिफ्ट्स जो हैं कल बच्चों को मिल गए हैं बहुत प्यारे प्यारे से। और चलो फिर जैसे डिनर प्रिपेयर हो जाता है मैं आपको दिखाती हूँ इसने क्या क्या बनाया। छोटा ही व्लॉग होगा ये, ज़्यादा लंबा व्लॉग तो नहीं होगा आई थिंक, क्योंकि मैंने शुरू ही शाम को किया और फिर गेस्ट आ गए और अब बस बाहर मौसम खूब बढ़िया हो रहा है, खूब ठंडक हो रही है। पीछे कपड़े तो नहीं है, मैं एक बार देख लूँ, मुझे भी पता नहीं है, नहीं पीछे कपड़े नहीं है। और हेयर कलर का टाइम आ रहा है, इनको ना म्यूज़िक के प्रोग्राम देखने बहुत पसंद है, जब भी इनको चांस मिलता है ये म्यूज़िक का प्रोग्राम लगा लेते हैं। अभी इन्होंने क्या लगा रखा है, कौन सा प्रोग्राम है विवेक, ये सुपरस्टार सिंगर, सुपरस्टार सिंगर ये इनका फेवरेट है। और पापा सीरियल नहीं देखते, पापा देखते हैं प्रोग्राम। हाँ ये ना सीरियल्स वीरियल्स नहीं कहते, ये कहते प्रोग्राम भी नहीं कहते, प्रोग्राम। बचपन में हम जब छोटे थे तो दिल्ली दूरदर्शन पे जो प्रोग्राम आते थे तब से हमको आदत पड़ेगी ये प्रोग्राम बोलना। इनको ना ये बहुत अजीब अजीब से शब्द बोलते हैं, जैसे टेस्ट होता है ना बच्चों का स्कूल में, टेस्ट होता है तो ये कहते हैं क्या कहते हैं प्रिशा, ये टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट को टेस्ट, होटल को होटल, होटल फिर क्या बोलते हो और भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं, डिस्पेंसरी को दवाखाना, दवाखाना, बहुत सारी और भी अजीब अजीब चीजें जो मैं आपको बता नहीं सकती। यू आर वेरी लकी फादर, यू नो, यस आई एम, यू हैव गॉट अ वेरी केयरिंग एंड लविंग डॉटर, आई एम, आपको बहुत प्यार करती है। तो आपने टेस्ट की तैयारी भी करनी है, उसके ट्यूशन में उसका टेस्ट है कल, काफी सारा पढ़ना है। स्टिल उसने कल से बोला था कि मैं बनाऊंगी पापा के लिए डिनर, तब वही बना रही है। यू आर वेरी लकी फादर। और आज तुम अच्छे लग रहे हो दाढ़ी वाड़ी बना के, नहीं तो कल तो ऐसे लग रहे थे बिल्कुल देवदास जाने बीवी छोड़ के चली गई हो 6-8 महीने से। अगर मैं छोड़ के जाओगे इतनी दाढ़ी रखोगे, इससे बड़ी रखोगे, इससे बड़ी, इससे बड़ी रखोगे, पूरे बाबा जी बन जाओगे, इतना प्यार करते हो, झूठ बोल रहे हो। देखो कैसे देख रहे हैं मुझे। सो फाइनली दूसरा वाला केक भी रेडी हो चुका है, एकदम परफेक्टली बन चुका है। और अब जब जो भी चीज़ घर में अवेलेबल थी उससे बना लिया उसने। और कल किसी ने कमेंट करा था ना कि ओवन में बनता है केक, मतलब सॉरी माइक्रोवेव ओवन में, ओटीजी में भी आराम से बन जाता है केक, बहुत सारे लोग ओटीजी में भी बनाते हैं और मेरे यहाँ पे माइक्रोवेव नहीं है, यही है ओटीजी ही है, तो इसी में सारे काम ईजिली हो जाते हैं, चाहे केक हो, पिज़्ज़ा हो या कुछ भी हो,
कोई भी चीज़ इसमें, मतलब इसमें ये ओवन, ग्रिलर, टोस्टर सब कुछ होता है ना, इसके अंदर सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ये मेरा 40 लीटर का है, किसी ने ये भी पूछा है, तो ये अगारो का है, 40 लीटर का है, इसका मैंने अलग से भी रिव्यू किया हुआ है। काफ़ी टैम्पटिंग सा केक बना हुआ है। चलो फिर अब दोबारा से केक कट कर लेते हैं विवेक के साथ। पापा आपके लिए सरप्राइज आ रहे हैं। हाँ। आपने सोचा था दोबारा से केक बेटी ही बनाएगी? मेरा बच्चा। तो ये फादर्स डे का केक फिर से बन चुका है इनके लिए। अभी आ जाओ बेटा, चलो कटिंग करेंगे। बाहर बारिश हो रही है बहुत, झिम 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 झिम, बढ़िया सी ठंडक हो चुकी है माहौल में। कैसा है, मस्त है ना, एकदम टेम्पटिंग लग रहा है ना। मुझे लगा, मैंने कहा इसी साल ऐसा हुआ बस कि हमने आपको केक जो है हम भूल गए, आपका दोस्त आया ना बनाया, वो सबसे बेस्ट केक। हाँ चलो केक कटिंग करते हैं फिर से। जाओ दोनों बच्चा, जाओ पापा के पास। हैप्पी फादर्स डे, द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। थैंक यू मेरा बच्चा। सबसे पहले टीमी को, टीमा, टीमी, टीमी, टूम, स्टैम्स। कैसा है, टेस्टी है? यम है? मुझे भी दे दो थोड़ा सा। झूठ बोलते हैं हम हमेशा करके। मुझे बहुत पसंद है, कभी कल खाया ना, बाकी पापा खाता है कभी। चलो, अरे मुझे दिया ही नहीं। अभी मम्मी को दे दो ये वाला, खा लो, मैं बाद में खाऊंगी। मैं पास्ता के लिए वेट कर रही हूं। वाओ, my most favorite pasta. I'll serve each and everyone. आज का डिनर स्पॉन्सर्ड बाय प्रिशा। टोटल व्हीट पास्ता है, इसके अंदर कोई मैदा नहीं है, हम लोग मैदा नहीं खा रहे। हाँ।